So as a medical student, on normal days, usually I follow the same routine, that is waking up in the morning for 8:30 a.m. class, then going to the college, attending the classes, and then coming back to my hostel and doing some content creation, and then heading to the next day. Recording vlogs every day is tough for me because at a point of time I feel saturated, and sometimes I find that things that are going on are not that much exciting or that much shareable with you all. और ऐसे ही पता ही नहीं चला that my pre-final year is about to end. So I have class at 8:30 and I'm super late. So I'll be packing my bag. So small but inside a bag of medical students. So some notes, a note bag for writing down the things, an iPad which is the savior, and apron जो बहुत ही ज़्यादा मैला है but ew. Overall, it was a fun and exciting year. We traveled, celebrated birthdays, made memories, bunked classes. और इसी के साथ मेरी मैक्सिमम जो क्लासेस है वो भी ख़त्म हो चुकी है, एंड नाउ वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्ज़ाम्स और कुछ लास्ट की कुछ क्लासेस बची है. सो वेलकम टू आई थिंक दिस ईयर द लास्ट अ डे इन लाइफ ऑफ अ प्री फाइनल मेडिकल स्टूडेंट इन इंडिया. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई एम कैफीन, अ प्री फाइनल मेडिकल स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन शिमला. एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग व्हिच इज़ अबाउट अ डे इन द लाइफ ऑफ प्री फाइनल मेडिकल स्टूडेंट. सो लेट्स गो. सो इट्स सैटरडे मॉर्निंग एंड आई एम नॉट एट माई हॉस्टल. येस्टरडे इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे, सो वी आर at her hostel and we are starting our day from here only. So we just had our breakfast. So just to make you know that we also bunk classes. Yesterday it was our friend's birthday, तो हम लोग अभी सुबह 10 बजे उठे हैं and we missed our morning class, and now we will be only going to our directly to our clinics which will be at 12. Yesterday was a fun night. It was our friend's birthday जो कि दूसरे hostel में रहती है, so we all went to her hostel. तो येस्टरडे नाइट मी एंड माई फ्रेंड्स, हम सभी लोग हॉस्टल जा रहे थे, तो हम लोग साथ में बर्थडेज आई थिंक फर्स्ट ईयर से बना रहे हैं. बस लॉकडाउन का बीच में टाइम था जब हम साथ में बर्थडेज नहीं बनाते थे, बट आफ्टर एंट्रिंग इन टू द कॉलेज हम लोग सारे बर्थडेज अपने फ्रेंड्स के साथ ही बनाते हैं और अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि जिसका भी बर्थडे है उसे अच्छा फील हो और घर की याद बिल्कुल भी ना आए. सो वी हैड आवर डिनर टुगेदर, वॉच्ड भूल भुलैया ऑन स्टार गोल्ड, और उसके बाद हमने अपने मेस से स्नैक्स लिए बहुत सारे क्योंकि आज रात को पार्टी होने वाली थी. सो बर्थडे ज़्यादा डेज जब हमें टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का और किसी का कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता है और हमें आना ही पड़ता है, और एक साथ बैठने का टाइम भी मिल जाता है और एक साथ बातें, बहुत सारी बातें शेयर होती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो मज़े तो आते ही है. वो कहते हैं ना, यही दिन तो फिर याद आएंगे. वो फिर चाहे कोई फेमस डांस स्टेप हो या फिर कोई ट्रेंडिंग रील या फिर केक का फेस मसाज, ये सारी चीज़ें बाद में हमें बहुत याद आने वाली है. और ऐसे ही हंसते हंसते कब कब थर्ड ईयर भी ख़त्म होने को आ गया है, हमें पता ही नहीं चला. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अभी अभी तो हमारा फाउंडेशन कोर्स जो फर्स्ट ईयर में होता है वही शुरू हुआ था, लेकिन अब तो हम फाइनल बैच में जाने वाले हैं. और 12 बजने से 15 मिनट पहले हम लोग GCR में जाते हैं एंड वी स्टार्टेड डेकोरेटिंग, क्योंकि हम लोग भूले गए थे कि हमें डेकोरेशन भी तो करनी है, तो हम लोग जल्दी जल्दी गए और जितना फास्ट हो सकता था उतना जल्दी जल्दी डेकोरेशन किया. Thank you.
देन इट वॉज माई टाइम टू गो फॉर माई क्लिनिक्स. बट क्लिनिक्स जाने से पहले हमें थोड़ी पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि क्लिनिक्स में हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स हमें काफ़ी हद तक आने चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो हमारे एग्ज़ाम कब है और डेट शीट कभी भी आ सकती है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा. मोर ओवर मेरे फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी बहुत नज़दीक है, तो उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी होती है. सो नाउ डेज माई बैच इज़ पोस्टेड इन आई डिपार्टमेंट, और आज हमने डिपार्टमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे और उनके फंक्शंस और उनके यूज़ के बारे में पढ़ा. जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स का वाइवा होता है उसमें एक शॉर्ट केस आता है, एक लॉन्ग केस आता है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स अलग से होते हैं जिन पर अलग से ही वाइवा होता है, तो हमें डिटेल में इनके बारे में पता होना चाहिए. तो इसके बारे में पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड आफ्टर अटेंडिंग आर क्लिनिक्स वी वेंट टू आर लास्ट क्लास विच वॉज ऑल्सो द लास्ट क्लास ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन. और उसके बाद वी ऑल द बैचमेट्स गैदर्ड फॉर अ इवेंट. एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट ईयर वी विल बी इन द फाइनल ईयर, और हम सबसे सीनियर मोस्ट बैच हो गए इन द होल कॉलेज. सो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय आर बैच, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ इवेंट्स थे. और इस इवेंट ख़त्म होने के बाद इट वॉज अराउंड 7 PM एंड देन वी हेडेड बैक टू आर हॉस्टल.